पैर छू रहे हैं कि उन्हें इंजेक्शन दे दी जाए, और सीएमओ उन्हें धमकी दे रहे हैं कि अगर दोबारा आए तो जेल भिजवा देंगे। मामला सेक्टर 39 का है। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको बता रहे नोएडा से खबर है, जहां पर लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए हैं। यहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। चलिए इसी खबर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए नोएडा से दानिश, हमारे साथ हमारे संवाददाता मेरठ से नरेंद्र, और लोकेश हमारे साथ हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जुड़ गए। सबसे पहले रुख करेंगे नोएडा का, दानिश हमारे साथ हमारे संवाददाता है। दानिश, यहां पर कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं जहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे मरीज के परिवार वाले बेबस हो गए हैं, सीएमओ के पैर छू रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इंजेक्शन यहां पर उन लोगों को, रेमडेसिविर उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। क्या वजह है इसके पीछे और क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जा रही है ताकि इन मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध हो सके? देखिए, शासन की तरफ से कितने भी दावे कर लिए जाएं लेकिन व्यवस्था पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी है। सीएमओ का कल भी हमने जो है आपको दर्शकों को सुनाया था, सीएमओ कह रहे हैं बेड भी मौजूद है, इंजेक्शन भी मौजूद है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब आप उन्हीं के ऑफिस में जब उनका बयान लेके बाहर निकलेंगे तो बाहर लाइन लगी होती है, और जो ये सारा दृश्य देख रहे हैं ये सीएमओ के दफ्तर के बाहर का, यानी जहाँ सीएमओ बैठते हैं केबिन में उसके बाहर का है। सीएमओ पहले कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, एक भी इंजेक्शन यहाँ पर नहीं मिल रहा है लोगों को, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, सब रेमडेसिविर इंजेक्शन का जो है पर्चा थमा देते हैं मरीज, तो कहते हैं कि पहले इंजेक्शन लेकर आइए उसके बाद इलाज शुरू होगा, क्योंकि उनकी जो हालत है उनके मरीज की वो खासा खराब है। लिहाजा जो मरीज हैं वो सरकारी अस्पतालों के जो लैब होते हैं या उनकी जो मेडिकल शॉप्स होती हैं वहां पर भागते हैं, प्राइवेट शॉप्स पर भागते हैं, फिर उसके बाद सीएमओ के वहां भागते हैं, लेकिन उनको कोई भी एक इंजेक्शन उपलब्ध नहीं होता है। रोते लोग कहा जाए तो बहुत बुजुर्ग महिलाएं वहां पर दिखी जो कि बाकायदा सीएमओ के पैर तक छूती वहां पर दिखाई दी, रो रही थी, बिलक रही थी कि सुबह 7 बजे से वो यहां पर बैठी हैं, क्योंकि सरकार ने दावा किया था कि अब रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी कोई भी कमी नहीं। अगर सोर्सेस की माने तो महज 500 इंजेक्शन पूरे जिले को मिलते हैं, और उन 500 इंजेक्शन में बाकायदा प्राइवेट अस्पताल भी आते हैं और सरकारी अस्पताल भी आते हैं। तो जो जिस तरीके से अब चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल है, सिर्फ और सिर्फ रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो पर्ची थमाता है वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल और घेरे में आ रहा है कि आखिर हर मरीज को इसी इंजेक्शन की जरूरत क्यों पड़ रही है, तो आखिर कहां पे कमियां हो रही है, या फिर सिर्फ एक इंजेक्शन के सारे मरीजों का इलाज नहीं किया जा रहा है, या फिर ये यह कहा जाए कि हाँ मरीज से छुटकारा पाने के लिए, तीमारदारों से छुटकारा पाने के लिए अब इन इंजेक्शनों का सहारा लिया जा रहा है। आज की जो तस्वीरें थी वाकई जो है दिल को डरा देने वाली थी, बाकायदा कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई देखेगा तो उसकी आंखों से आंसू निकाल आए, ऐसी तस्वीरें थी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। नरेंद्र भी हमारे साथ हमारे संवाददाता मेरे